हम इस भौतिक जगत में आए हैं यही सबसे बड़ा कारण है भगवान से बिछड़ने का। हम पहले भगवान के साथ ही थे, अभी यहाँ पे हम भगवान के मंदिर जाते हैं या कीर्तन करते हैं, ये भगवान के अलग अलग अवतार के रूप में हमको दर्शन देने के लिए भगवान की कृपा के रूप में आते हैं। लेकिन साक्षात भगवान जो वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं, हम उस देश के वासी हैं। इस देश में गंगा तो देखिए अभी, लेकिन हम पहले से उस देश के वासी हैं जिस देश में भगवान रहते हैं, लेकिन अभी हम बिछड़ गए उनसे। तो हम इसीलिए हर कोई कुछ ना कुछ खोजने की प्रयास करता है ना। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, जो भी मिलता है उसे और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, समाधान नहीं मिलता। अब आप में से किसी है ऐसा कि पूरी तरह से समाधानी है, मुझे बस सब कुछ मिल गया कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं है ना। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हम भगवान से बिछड़ गए हैं। और हम जैसे मछली होती है पानी में है, मछली को अब पानी से बाहर निकालो और उसको अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, काजू कतली खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, सब सामने रख दो, सब छप्पन लोग और सामने टीवी भी लगा दो, अच्छे से एसी का कमरा लगा दो, लेकिन वो खुश रहेगी? समाधान रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों? उसका स्थान पानी में है, वो पानी में रहेगी तभी वो खुश रह सकती है। ऐसे ही हम भगवान के धाम में थे तो हमने कुछ गलती की वहां से, इसलिए हमको यहाँ भेजा, इसलिए हम यहाँ पे भी मछली की तरह हम भी यहाँ की तरफ ही रहते हैं। आप सोचते हो कि जब भी महाराज आते हैं ऐसी बातें करते हैं, निगेटिव बातें, लेकिन ये निगेटिव बातें नहीं है, ये असली है, ये वस्तु स्थिति है। हम क्या क्या करते हैं, वस्तु स्थिति से दूर भागने का प्रयास करते हैं। और इससे कारण क्या होता है, जो हम वास्तविकता है उससे दूर जाते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पाते, फिर भगवान को पहचान नहीं पाते, फिर भगवान और हमारा क्या संबंध है ये नहीं पहचान पाते। और जब तक हम ये नहीं पहचान पाते तब तक हम ना तो सुखी होंगे ना समाधानी होंगे। तो हमको सुख भी चाहिए, समाधान भी चाहिए, हम आनंदी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। हम अभी प्रयास करते हैं कैसे, पैसा खर्च करके, है ना। हम सोचते हैं अच्छा एलईडी टीवी लगाया तो उसमें प्रोग्राम देखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन वो देखने के बाद उल्टा असर होता है, उल्टा और टेंशन आ जाता है कि वो लोग देखो कैसे अच्छे घर में रहते हैं, क्या सुविधा है उनके यहाँ, वो सब नकली दिखाते हैं, लेकिन हमको लगता है हमारा भी ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ऐसा नहीं है, क्या क्या चीजें होती है उनके पास, होता है ना। और फिर वो सब दिखाते हैं सास बहू के झगड़े, फिर ये सब, फिर घर में भी वही चलते रहता है, वो उसके टीवी में तो नकली दिखाते हैं लेकिन घर में भी वास्तव में भी शुरू हो जाता है। तो हमको किसमें सही आनंद मिलता है ये सोचना चाहिए। अभी आप बताओ कि हम आनंद क्यों चाहते हैं, सब लोग आनंदी होना चाहते हैं ना, क्यों आनंदी होना चाहते हैं, ऐसे भी हम रह सकते हैं ना। कितने सारे लोग हैं वो रस्ते में घूमते हैं, क्या बोलते हैं, गांडा लोग होते हैं ना जो भिखारी, वो लोग भी तो आराम से जी रहे। तो हम तो बहुत प्रयास करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, और पैसे नहीं कमाते हैं तो हमारा जो साधन चाहिए हमको आनंद के लिए वो साधन नहीं मिलते, फिर हम दुखी होते हैं। मैंने पहले कुछ समय पहले पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, टाइम्स मैगजीन ने एक सर्वे किया था कि लोग दुखी क्यों है, तो उसने पूरा सर्वे भारतवर्ष और लोगों को पूछ के सर्वे करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लोग इसलिए दुखी है
कि उनके पास जो वस्तु नहीं है वो दूसरे के पास है। उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कोई वस्तु ऐसी होती है कि दूसरे के पास है, तो वो देख के हम दुखी होते हैं कि वो वस्तु हमारे पास नहीं है। तो हमको वास्तव में सब हम भगवान की संतान है ना, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं, लेकिन उसको वास्तव में लाते नहीं, सब एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तो हम सब भगवान की संतान है, तो हमको सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए ना। पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो हम शांति से रह सकते हैं। जो माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो वैसे ही भटकता रहता है। तो हमको भगवान हमारे परम पिता है, यहाँ जो माता पिता है उनकी सेवा तो करनी ही चाहिए, साथ में हमारे जो परम पिता है भगवान, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो उनकी सेवा की शुरुआत होती है श्रवण करने से। श्रवण मतलब क्या? सुनने से। हमको पता तो होना चाहिए कि भगवान कौन है, जो हमारे परम पिता है। हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, घर पे जाके सब भूल जाते हैं। तो उसको विचार करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए कि भगवान परम पिता बोलते हैं उसका मतलब क्या है। सब लोग बोलते, कथाकार बोलते, टीवी पे भी आप सुनते होंगे बहुत सारे, अभी इतने चैनल में वो चलते रहते हैं सब कथा, तो कथा में सुनेंगे तो हर कोई बोलता है कि भगवान हमारे परम पिता है। तो भगवान परम पिता है मतलब क्या है? तो हमको दुख क्यों दे रहे भगवान? पिता तो अपने संतानों को दुख नहीं देना चाहता ना, तो कोरोना क्यों भेज रहे? पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, अभी बोल रहे तीसरी लहर आएगी। तो पिता को कभी दुख देना चाहता है? और परम पिता है भगवान, तो कुछ भी कर सकते हैं, कोरोना को ऐसे ही रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं रोकते? इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो पहले तो हम आनंद ही रहना चाहते हैं, इस बात पे हम थोड़ा सा रास्ता भटक के तो सब हर कोई आनंदी रहना चाहता है। क्यों आनंदी रहना चाहता है? क्योंकि हमारा मूल स्वभाव है आनंदी रहना। हम जो है अभी अपने आप को जो समझते हैं, आईने के सामने हम देखते हैं या सेल्फी करते हैं, हाँ मैं कितना अच्छा हूँ, सबको भेज देते हैं सेल्फी, देखो आज मैंने ये ड्रेस पहना है, ये किया है, तो यो जो देखते हैं वो हम नहीं है। ये हमको पहले समझना चाहिए। तो हम पहले कौन है समझेंगे तभी हम आनंदी होंगे। क्योंकि छोटे बच्चे वगैरह होते हैं, कोई बच्चा यहाँ पे जैसे कब मेला लगता है भला? दिवाली में है ना, दिवाली पे लेके गए, ऐसे छोटे बच्चे हैं, वो अगर गुम हो गए मेले में तो उनको वापस आना पता नहीं चलेगा ना। आपसे हाथ छोड़ के कहीं भाग गए देखिए, तो आप ढूंढते रहेंगे, वो भी ढूंढ रहे, फिर उसको पता नहीं है, आपको भी नहीं मिल रहा है, वो गुम हो गया मेले में, तो फिर वो रोता है ना, माँ बाप नहीं मिल रहे तो क्यों रोता है? कि वो माँ बाप से बिछड़ गया। तो फिर उसको अगर आनंदी करना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई अच्छा आदमी है तो उसको देखेगा कि रो रहा है बच्चा, तो फिर वो उसको कुछ खिलाते हैं, वो तो चुप रहेगा, वो थोड़ी देर खाएगा, आइसक्रीम खिलाओगे या कुछ खिलाओगे, थोड़ी देर खाएगा, चुप होगा, फिर रोना शुरू कर देगा, है ना। जब तक उसके माता पिता उसको नहीं मिलते तब तक वो शांत नहीं होगा, वो रोते ही रहेगा। तो हमको भी अगर शांत होना है, समाधानी होना है, तो पहले हमारे माता पिता कौन है ये समझना चाहिए। तो माता पिता सब, अब हम जो है छोटे बच्चे की तरह ही हम क्या हो गए, मेले में बिछड़ गए हैं। तो अभी हमको पहले या तो हमारे प्रयास से हमको हमारे माता पिता ढूंढने चाहिए, या फिर दूसरा कोई आए और वो हमको अपने माता पिता तक मिला सकते हैं, है ना। तो भगवान इसीलिए भेजते हैं कुछ लोगों को कि जाओ बेचारे भटके हुए हैं उनको भगवान तक लेके आओ। तो कोई कोई आते हैं, कोई बोलते हैं कि ये तो क्या ऐसे ही बता रहे, क्या पता, तो मानते नहीं है। तो जो मानते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, तो वो फिर सुखी हो जाते हैं। तो हमको इसलिए पहले हमको अपने आप को पहचानना चाहिए,
तो जैसे मैंने बोला आईने के सामने हम खड़े होके जो देखते हैं वो हमारा शरीर है ना। हमारा शरीर मतलब क्या, अभी मैंने बोला ये मेरा करताल है, ठीक है। तो ये मेरा करताल मतलब क्या है, करताल अलग हो गया, मैं अलग हो गया। तो जो हम बोलते हैं कि मेरा शरीर है, तो ये शरीर अलग हो गया, मैं अलग हो गया, समझ रहे ना। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ये शरीर को ये हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी समझ लो आप पूरा गाउन पहन के आईने के सामने खड़े हैं और पूरा ढका हुआ है, खाली आंखें खुली है और आईने में देख रहे, तो हमको क्या दिख रहा है, खाली हमारा गाउन दिख रहा है। तो हम क्या ये समझेंगे कि ये गाउन मतलब मैं हूं, ऐसा नहीं समझेंगे ना। गाउन के अंदर हम है, हमारा शरीर है। तो इसी तरह इस शरीर के अंदर हम रहते हैं। हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति, भगवान भगवद गीता में बोलते हृदय में हम है। तो हम मतलब कौन है, जो वास्तविक हम है वो। तो ये जो शरीर है ये तो एक दिन चला जाता है, लेकिन हम रहते हैं। अभी किसी को आपकी बर्थडे याद होगी तो उससे पहले हम कहां होंगे पूछेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा, है ना। समझ लो कि किसी के 1990 में किसी का बर्थडे है, जो भी जनवरी फरवरी जो भी दिन में, तो उससे पहले कहां होंगे तो कोई बोल सकता है कि माता के गर्भ में होंगे, ठीक है। तो उससे पहले कहां होते कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। ऐसे ही जब कोई मर जाता है तो मरने के बाद कहां जाता है, किसी को पता है। शरीर रहता है, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें कुछ फर्क होता है, सभी सब कुछ ऐसे ही रहते है ना, एक बाल भी कम नहीं होता। तो फिर मर गया मतलब क्या हो गया, कुछ तो कम होना चाहिए ना, कुछ तो जो था जो उसको चला रहा था शरीर को, तो वो जो चला रहा था शरीर को वो हम है। जो शरीर दिखता है वो हमारा शरीर है, जैसे हमारे ऊपर मैंने कपड़े पहने हैं शरीर के ऊपर, इसी तरह हम जो हृदय में बैठे हैं उसके ऊपर ये शरीर, जो हमारे हाथ पैर कान नाक जो भी है वो हमारे कपड़े हैं। ये कपड़े कॉटन के हैं, ये बाकी के कपड़े चमड़े के, पांच चीजों से बने हैं। कौन से है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये पांच तत्व से। इसलिए कोई बड़ा आदमी का देहांत होता है तो न्यूज में बताते हैं कि उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, ऐसा पढ़ा होगा ना कभी, मतलब उसके जो शरीर के पांच तत्व थे वो जो ये भौतिक जगत के पांच तत्व है उसमें मिल गए, क्योंकि अग्नि देते हैं, अग्नि के बाद पूरा राख हो जाता है और मिल जाता है। अभी आप सोचो कि इतने करोड़े साल से ये ब्रह्मांड चलता आ रहा है, तो अगर सभी जितने भी व्यक्ति मृत हो गए वो ऐसे के ऐसे रह जाते तो हमको रहने की जगह मिल जाती, नहीं मिल जाती ना। तो भगवान ने सब व्यवस्था की है, हमको अन्न चाहिए तो उसको उपजाने के लिए बारिश की व्यवस्था की है, हमको शरीर टिकाने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है तो हवा द्वारा वो व्यवस्था की है, और पानी भी देखो भगवान का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। पानी पहले तो समंदर बनाए इतने सारे, तो समंदर का पानी खारा होता है, हम पी नहीं सकते। यहाँ का तो फिर नल में जो आता है वो भी पानी नहीं पी सकते, मिनरल वाटर का पीना पड़ता है। तो भगवान ने उस पानी खारा क्यों बनाया, क्योंकि पानी को रह सके। फिर वो पानी का जो खारापन कम करने के लिए उसको बाष्पीभवन करके ऊपर ले गए, ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर वो आसमान में तैरता रहता है।
अभी हम पानी लेंगे और ऐसे उड़ाएंगे पीला पानी, वो रह पाएगा नीचे आ जाता है ना, लेकिन भगवान की व्यवस्था देखो ऊपर रहता है और जब हमको जरूरत होती है बारिश के रूप में नीचे गिरा देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये सब व्यवस्था भगवान ने हमारे लिए की है ना। तो हम जीविका बिल आता है हर दो महीने में तो पैसे भर देते हैं, है ना, नहीं तो फिर बिजली काट के चले जाते हैं वो लोग। पानी आता है, पानी का बिल भरते हैं। अभी कोरोना की वजह से पता चला कि हवा की भी कितनी कीमत होती है, है ना। सबको ऑक्सीजन में रखना होता है तो कितना खर्चा करना पड़ता है, वो मिलता भी नहीं कभी कभी, कितने प्रयास करने पड़ते। डॉक्टर लोग तो बोल देते हमारे पास नहीं है तुम लेके आओ, कोई बचेगा नहीं तो नहीं बचेगा, है तो कितना प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है तो इसका बिल हम देते हैं। दिन भर बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाओ सूरज रहता है, भगवान ने बिजली की व्यवस्था की दी कर दी है। कभी भगवान ने बिल भेजा हमारे लिए कि हमने इतना बिल आया, तुमने जिंदगी भर यूज किया कि इतना बिल भरो। ऑक्सीजन अभी इतना लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन पे, इतना महत्वपूर्ण है, वो आपको ऐसे ही फ्री में दिया है ना भगवान ने, उसका कभी बिल दिया भगवान ने या कभी बोला कि मेरा स्टॉक खत्म हो गया अभी आप ढूंढो? तो ये सब व्यवस्था की है भगवान ने, लेकिन ये क्या है हम इसको आसानी से लेते हैं तो मिल रहा है ना, ये तो कुदरती है ऐसा समझते है। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज कुदरती नहीं होती, वो कुदरत की व्यवस्था भगवान द्वारा की जाती है, कुदरत वो व्यवस्था करती है लेकिन भगवान उसको सामर्थ्य देते तब तो व्यवस्था करते हैं। ये सब भगवत गीता में पूरा हम कोर्स शुरू किया था यहाँ पे, लेकिन कोरोना ने रोक दिया, दुर्भाग्य है, क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्य व्यक्ति का ऐसा होता है कि जो भगवान का बारे में श्रवण करता है,